हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब ये फ्लक्स क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही है वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक प्लेनर एरिया, सपोज ये हमारे पास एक प्लेनर एरिया। प्लेनर एरिया मतलब एनी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आपकी एक नोटबुक ले लो, राइट, आप ये हाथ की बात करते हो, ये हाथ एक प्लेन है ना, प्लेन है, इसकी वाई एक्सिस होगी, इसकी जेड एक्सिस, यहाँ तक का पोर्शन। ठीक है, अब इसमें से जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ से पास करेंगे ये, ठीक है, तो कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस पूरे एरिया में से पास करेगी वो इस एरिया का फ्लक्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस जो है पास कर रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर ये एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एंड दिस बॉडी इज द प्लेन। ये इस तरह से बोर्ड पर, जैसे हम यहाँ पर बोर्ड है तो बोर्ड पर मैं अगर अपना हाथ यूं रखूं और फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही हैं, तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ई डी एस कॉस थीटा। अब कैसे ये ई डी एस कॉस थीटा बना, लेट अस अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारे पास है ये प्लेन। अब इस केस में तो क्या था कि ये प्लेन में सिर्फ डायरेक्टली पास कर रही है। अब मान लीजिए कि हमारी जो फील्ड लाइंस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, वो किसी एंगल पर उस प्लेन पर फॉल कर रही है। जैसे मान लो ये हमारा प्लेन है और ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंट है, राइट। तो हमने सबसे पहले ये प्लेन बनाया, ओके। प्लेन का जो एंगल है वो सेम है, हमने इस तरह से परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। बोर्ड पर हम इस तरह से बनाएंगे, बट एक्चुअली इट इज लाइक दिस, ओके। और फील्ड लाइंस इसका ये इस तरह से पास कर रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया ई का। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट। एरिया वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर एसोसिएटेड विद एनी प्लेनर बॉडी। ठीक है, और किस डायरेक्शन में होता है, एनी आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो अगर ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा, इस साइड। तो हमने ये बना दिया, ये इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ठीक, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज वो किसी एंगल थीटा पर है विद द नॉर्मल टू द प्लेन। इस चीज को ध्यान से समझना है, यहाँ थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अगर अब हम इस यहाँ पर मान लीजिए स्मॉलर एरिया है डी एस, और ई को हम रिजोल्व करते हैं अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ई का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कॉम्पोनेंट क्या होता है, बताइए जल्दी से। हमने पढ़ा हुआ है ना, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसका कॉम्पोनेंट होता है कोस थीटा, अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन उसका कॉम्पोनेंट होता है साइन थीटा। अब ये बेस अगर हम इसको ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये बेस बनेगा। ठीक है, यानी कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ई का ये कॉम्पोनेंट हो गया ई कॉस थीटा। ठीक है, तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अलोंग द नॉर्मल कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, ई कॉस थीटा इंटू डी एस। हम वेक्टर फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, वी आर राइटिंग सिंपल द फॉर्मूला टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अब यहां पर थीटा क्या था, थीटा वाज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप यहां तक आपको ये क्लियर है। अब हम समझते हैं कि थीटा का कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा कैसे लेना है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या है कि सपोज अगर हम बात करें कि फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा जीरो होगा तो कोस जीरो वन होगा। ठीक है, कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, विच इज ई डी एस, राइट। मतलब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम पास करवा रहे हैं, ओके, थ्रू द प्लेन, वो नॉर्मल के पैरेलल होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ओके। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये प्लेन है, ओके, दिस इज द प्लेन, इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल हो गया इधर। अब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में होंगी तो इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, दोनों पैरेलल हो गई तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, जीरो।
अब इस समय क्या है, फील्ड लाइंस इस तरह से नॉर्मली प्लेन के ऊपर फॉल कर रही है. इट मींस जब व्हेन फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एट दैट मोमेंट नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. ठीक है, एट दैट केस थीटा इज इक्वल टू 0. ध्यान रखना है नॉर्मल पर हमने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जैसे ही वर्ड नॉर्मल आता है तो हमें क्या लगता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर. बट यहां पर जो एंगल थीटा है वो थीटा एंगल किस किस के बीच में था, थीटा एंगल था ई और नॉर्मल के बीच में, राइट. तो इस केस में थीटा 0 होगा एंड हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, विच इज ई डी एस. ठीक है, और अगर अगर सेकंड केस हम ले लेते हैं, सेकंड केस में क्या है कि सपोज हमारे पास कॉस 0 हो जाए. अब कॉस 0 कब होगा, 0 कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा कब 0 होगा, कॉस थीटा होगा 0 जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री, राइट. अब जब थीटा 90 है इसका क्या मतलब है, देखो हमें फिर से ध्यान रखना है कि जो थीटा एंगल है वो एंगल है बिटवीन द नॉर्मल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री होने का मतलब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. अगेन ये प्लेन हुआ, प्लेन का ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल हुआ. अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है लाइक दिस, ओके, अब देखो अगर ऐसे जा रही है तो वो इस एरिया में से जो जा ही नहीं रही, अगर वो एरिया में से जा ही नहीं रही तो टेक्निकली भी अगर हम बात करते हैं तो फ्लक्स 0 है. बट अगर हम एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस, तो अब देखो ये नॉर्मल जो आपको पेन दिख रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री. तो इसका मतलब जो थीटा 90 डिग्री होगा एट दैट मोमेंट हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0. ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब हुआ एंगल बिटवीन ई एंड एन इज 0, ओके. बट अगर हम बात करते हैं उसमें जो प्लेन होगा, प्लेन विल बी नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, और फ्लक्स 0 कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा. सो थीटा जब 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री किसके और किसके बीच में, थीटा 90 डिग्री बिटवीन ई एंड एन के बीच में, ई और एन के बीच में जब थीटा 90 डिग्री होगा, एट दैट मोमेंट जो फील्ड लाइंस है वो प्लेन के पैरेलल होंगी, ये चीज हमें ध्यान देना है. ठीक है, तो थीटा 0 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू द नॉर्मल, थीटा 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल. ठीक है, अब जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई प्लेन है एंड दैट प्लेन इज मेकिंग एन एंगल. ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझना कि प्लेन इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ओके, प्लेन इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो इसका क्या मतलब है, अब यहां पर प्लेन एंगल बना रहा है ई के साथ, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल इज मेकिंग एन एंगल विद द ई. ठीक है, तो हम प्लेन बना लेते हैं. मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और सपोज ये हमारा प्लेन है. ठीक, जब ये प्लेन है और ये प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, प्लेन बना रहा है, लेकिन इसका नॉर्मल क्या होगा, यहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये नॉर्मल हुआ. अब ये नॉर्मल का एंगल हुआ 90 डिग्री. ठीक है, अब नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हमें चाहिए. ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री. इसका मतलब जब हम ये फ्लक्स निकालेंगे इस केस में तो हमारे पास फाई क्या होगा, ई डी एस कॉस ऑफ 60 डिग्री रादर देन 30 डिग्री. हम 30 डिग्री नहीं लेंगे, 60 डिग्री लेंगे. क्लियर हो गया. इट मीन्स अगर प्लेन इज मेकिंग एंगल विद थीटा विद ई, तो हम जो एंगल लेंगे, एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 माइनस थीटा. ओके, और अगर ये बोला जाता कि नॉर्मल टू द प्लेन, अगर ऐसे बोला जाता कि नॉर्मल टू द प्लेन इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो एट दैट मोमेंट जो एंगल गिवन है यानी कि थीटा 30 डिग्री ही हम लेते.
ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ आया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि एंगल्स की वैल्यू को हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। अ क्विक रिविजन कि अगर थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होने का मतलब नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल एंगल बना रहा है, और प्लेन, ये प्लेन है, प्लेन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली इंसिडेंट है, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल बट पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट अ वेरी शॉर्ट रिव्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक, राइट। सो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।